हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश अर्थात नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखने वाले हैं, जो कि हमारा टाइप 7 होने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग ए एवं ए मात्रा वाले नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखने वाले हैं। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ए एवं ए मात्रा वाले नामों को अंग्रेजी में करना। इस सिलसिले में हमारा पहला नाम आपके सामने है रेखा। तो दोस्तों, ये जो रेखा नाम है वो अक्षर और मात्रा दोनों से मिलकर बना है। इसमें पहला अक्षर है र, तो चलिए र को हम लोग कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में, आर से। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें ए की मात्रा है, दिखाई दे रहा है, तो ए की अंग्रेजी क्या होती है, ई। ए को हम लोग अंग्रेजी में ई से लिखते हैं, तो लिखेंगे ई। फिर अब आते हैं ख के पास, तो ख को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, के एच से, तो लिखेंगे के एच। और फिर इसमें अकार की मात्रा है, तो अकार के लिए हम लोग देंगे ए। इस प्रकार हमें रेखा की अंग्रेजी क्या मिल गया, आर ई के एच ए। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अगला हमारा नाम है कैलाश। ये कै अर्थात ऐसे, देखिए इस प्रकार की मात्रा इसमें जुड़ी है, तो इसको करते हैं। इसमें सबसे पहला अक्षर क है, तो हम लोग क को लिखेंगे अंग्रेजी में के से। अब दोस्तों इसमें ए की मात्रा है, तो ए को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं ए आई से, तो लिखेंगे के बाद ए आई, तो हमें मिल गया कै। ल है, तो ल के लिए हम लोग देंगे एल, और इसमें अकार की मात्रा है, उसके लिए देंगे हम लोग ए। और फिर स है, कौन सा स है जी, तालाब स है, तो तालाब स के लिए क्या देंगे हम लोग, एस एच। इस प्रकार हमें कैलाश की अंग्रेजी मिल गया के ए आई एल ए एस एच। आगे चलते हैं, हमारा शब्द है मैना। पहला अक्षर इसमें क्या है, म, तो म को अंग्रेजी में लिखेंगे एम से। फिर ए की मात्रा है, तो ए के लिए भी दिए हैं क्या, ए आई। और फिर न है, तो न के लिए एन, अकार के लिए ए, मिल गया एम ए आई एन ए, मैना। अगला शब्द है रमेश, तो रमेश का पहला अक्षर है र, तो र के लिए देंगे आर। इसमें अ छिपा है, उसके लिए देंगे ए। फिर म है, तो म के लिए एम, और ए अर्थात ए की मात्रा, ए के लिए देते हैं ई। और स है, कौन सा है, तालाब स, उसके लिए देंगे एस एच। इस प्रकार रमेश की अंग्रेजी में मिल गया आर ए एम ई एस एच। और अगला और आखिरी शब्द है बैठा, तो सबसे पहला अक्षर है बी, तो बी के लिए लिखेंगे, तो सबसे पहला अक्षर है ब, तो ब के लिए देंगे हम लोग बी। उसके बाद इसमें ए की मात्रा है, तो ए के लिए देते हैं हम लोग ए आई, हम लोग ए आई दे दिए। उसके बाद ठ है, तो ठ के लिखते हैं हम लोग टी एच, और इसमें अकार की मात्रा है, इसके लिए देंगे हम लोग ए। इस प्रकार हमें बैठा की अंग्रेजी मिल गया बी ए आई टी एच ए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग इन सबको समझ चुके होंगे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जिन्हें आप लोग नोट डाउन करके कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।